after Arvind Kejriwal. It is now jailed AAP leader Manish Sisodia, who's writing letters from the jail. Sisodia has written a letter saying that he would be out soon. In his letter, he's referred to Gandhi and Nelson Mandela put behind bars during freedom struggle. He said that Gandhi and Mandela are his inspiration. AAP has faced backlash yet again from Bhagat Singh's grandson. Bhagat Singh's grandson, Yadvinder Sandhu, has lashed out at AAP after Sunita Kejriwal read out the Chief Minister's message. Sandhu lashed out at AAP following the photograph of the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal behind bars, flanked by portraits of Bhagat Singh and B.R. Ambedkar. He said that the attempt was being made by AAP to compare Arvind Kejriwal with legends and that AAP must refrain from doing this. The governor has written to the Union Home Secretary, flagging off violations by the Delhi government and concerted attempts to mislead courts with the aim to influence the justice delivery system. उस वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर जी से करने का प्रयास किया गया जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए और भी और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अंबेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। Alright, so you heard, in fact, from the BJP going after the Aam Aadmi Party for portraying Arvind Kejriwal as Bhagat Singh. The family members of Bhagat Singh also have responded and are upset about what the AAP has done. We spoke earlier to Bhagat Singh's grandson, Yadvinder Sandhu. Listen into what he said. आप सोच के देखिए बाबा अम्बेडकर जी क्या सोचते होंगे, शहीद भगत सिंह क्या सोचते होंगे। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ हमारी फोटो टांग दी। ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए, शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत बड़ा पाप किया है और मैं कहना चाहता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को इस पाप की सजा मिली है, आपको ऐसा पाप दोहराना नहीं चाहिए। ये पाप का सजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको बच्चों का शराब लगा है, जिनकी जूती कसमें खाते थे, उन माताओं का शराब लगा है जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने नशा परोसा, इसलिए वो जेल गए हैं। और ऐसे जेल में आदमी की आप फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ लगाएं, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाएं, ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। ये अपमान आपको नहीं करना चाहिए था। ये बताइए कि आपने एक वीडियो जारी किया है ये बताते हुए कि ये आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाना जायज नहीं है। देखिए, जैसे ही ये फोटो मेरे सामने आया, वीडियो मेरे सामने आया, सुनीता केजरीवाल दिखा तो देख के बहुत बुरा लगा, दिल को बहुत आघात हुआ। और यहाँ तक मुझे नहीं, मुझे हमारे देश से ही काफी लोगों ने ये वीडियो भेजी और उन सबको भी बहुत गलत लगा। देखिए, जो हमारे ये महान शहीद है, हम लोग इनके दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं, पर ये कहें कि हम इनके साथ अपनी तुलना करें या इनके साथ अपनी बराबरी करें तो ये जायज नहीं है। ये चाहे कोई भी राजनेता हो, केजरीवाल जी हो या कोई भी हमारे देश के राजनेता, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है शहीद आजम भगत सिंह जी ने, और इवन बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भी अपनी तुलना की जा रही है, तो ये देख के बहुत बुरा लगता है जी। और जहां तक हम पहले भी सुनते थे तो वो सब यही कह रहे थे, हम इनके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, पर अब तो बुरा लगा देख के, अब वो कह रहे हैं कि हम वो बन चुके हैं। और मेरे ख्याल से राजनेताओं को ये भी देखना चाहिए वो किन आरोपों में अंदर जा रहे हैं या क्या उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो वो तुलना करना बहुत ही गलत है, बहुत देख के हर्टफुल लगता है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस।